दोस्तों कमेंट में बताना, ठीक है, इस बार मैं झटका कर दूं, बोरे में भर के नोट लाऊंगा जितने की है, 55-60 लाख इनके काउंटर पर रख दूंगा, ठीक है, मैं भाई अपने गिल्लो और मेरे वापस कर दो जो बच जाए, कर दूं क्या, कमेंट में बताना कैसे ला के काउंटर पे भाई, ये लो जी। तो कमेंट कम से कम 1000 कमेंट होने चाहिए इस वीडियो पे, कम से कम। और गिव अवे की तो बात अलग है, वो तो चलो है ही, लेकिन इस पे कम से कम 1000 कमेंट होने चाहिए। डेली वर्कआउट कर लोगे ना आधा घंटा भी तो आप मस्त हो जाओगे। मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा काम करता हूँ, मैं दुनिया की सबसे ज़्यादा काम करने वाली लेडी हूँ, सब बहाने। आधा घंटा तो वैसे भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो पोटी में निकल जाता है सुबह शाम मिला के। रेड नहीं, उसने ले रखा है UK 07, ने बहुत गंदी लगती है। वापस भी आ सकते हो, कितने की पड़ेगी ऑन रोड? 5365 में से ना RTO माइनस हो जाएगा। अगर भाई एलेक्स कितने है भाई? 43 में, 20 लाख ऊपर लगा लें, क्योंकि बिना पैसे लगाए तो दिखेगी नहीं। ये खोल के हम चेक कर रहे हैं कि जो ये है ना, इसमें लगेज कितना आ जाएगा, की चाहिए होंगे, क्योंकि अगर इंडिया टूर करना है तो इंडिया टूर ऐसे ही नहीं होगा। कोई इसकी हाइट ज्यादा है। ये खड़ी फॉर्च्यूनर और लेजेंडर, और ये खड़ी एलेक्स। तो मैं थोड़ा सा कड़वा बोलता हूँ, लोगों को बुरा लगता है, ठीक है ना, लेकिन मैं क्या करूँ, जो सच है वो ना कड़वा ही होता है, तो इसलिए मैं कईयों को बुरा लगता हूँ। कोई बात नहीं, जो सच है वो सच रहेगा, ठीक है। अब मैं मीठी मीठी बातें करूँ जो आपको अच्छी लगे, वो मेरे को आती नहीं ना, वो मैं करना चाहता। सब्सक्राइबर कम होंगे ज़्यादा होंगे वो तो आप सब प्यार करते हो, आपकी बदौलत होंगे, यहाँ तक भी आपकी बदौलत हूँ, आगे भी आप लोगों की बदल जाऊँगा। जैसे तक कमेंट्स करने हैं, वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को पूरी देखा करो, क्योंकि वो आएंगे धमाकेदार, बहुत जमा है। नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब, मैं आपका अपना अमित पंघाल, आपके पंघाल। तो दोस्तों आज का व्लॉग बहुत धमाकेदार है, जैसे कि हमने वादा किया था गिव अवे का, तो गिव अवे की तैयारी चले पहले वो दिखाता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे अपना कार देखने, मतलब नई गाड़ी देखने, पहले देख लो। तो ये तैयारी चल रही है गिव अवे की, ये पैक हो रहे हैं, देखो ये पैक है। हाँ भाई क्या कहना है? बता दे मजा आ जाएगा। गाँव वालों, फुल मैन चल रही है गाँव वालों, गाड़ी लेने जा रहे हैं आज नहीं, दे ताली। यस, और गाड़ी को ले कौन रहा है वैसे? गाड़ी ले कौन रहा है? जीत रहे हो अच्छा, चलाए भाई, नाम की गाड़ी चलाएंगे तो हम मौज थाम लेंगे, कोई बात नहीं, किस्त गाड़ी हम चला लेंगे, डाउन पेमेंट मैं दे दूंगा, दिक्कत मत ले। अरे थोड़ा बहुत तो पैसा है मेरे पास, हल्का फुल्का है मेरे पास। क्यों बोली, समझ रहे हो विनोद? समझ रहे हो विनोद, देख तो लो। हाँ जी, यू आर मिलेनियर। अरे नहीं, हम तो बस थोड़ा बहुत है, ठीक ठाक है, वो वाली बात है, हम भी भूखे नहीं रहते, कोई घर आता तो वो भी भूखा नहीं जाता, इतना है। और ये देखो तैयारी चल रही है भाई, कुछ कहना है? खजाना खजाना नहीं। तो दोस्तों उस गिव अवे के बारे में कुछ कहना आपको? अरे कहीं दोस्त कह रहे हैं कि भैया हमें ये दे दो वो दे दो, भाई जिसके नसीब में जो होगा उसे वही मिलेगा, हम तो भेज सकते हैं बिल्कुल। और दोस्तों हर महीने गिव अवे आ रहा है पंघाल फिटनेस पंघाल बॉक्स पर, देखो खुशखबरी, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, भाई छुप रहे हैं, अरे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हर महीने गिव अवे होगा पंघाल फिटनेस पंघाल। जिसके जैसे ज्यादा कमेंट्स होंगे, ज्यादा शेयर होंगे, वीडियो को पूरा देखना है, कुछ भी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है, वीडियो के बीच में, क्योंकि बड़े से बड़े गिव अवे होने वाले हैं, अभी थोड़ी देर में बस चल रहे हैं, ठीक है। मुझे पहचान, कौन सी गाड़ी देखनी है? हबीबी फॉर्च्यूनर। नहीं फॉर्च्यूनर नहीं, हबीबी हिलक्स। हिलक्स अच्छी है, हिलक्स तो मुझे भी पसंद है, क्योंकि उसको ट्रक बना देंगे, समझ रहे हो, आप तो इसमें काम कर देंगे, लिफ्ट विफ्ट क्यूट लगाओ, लाइट वाइट लगाओ, उसको क्रेजी कर देंगे। तो चले फिर, थोड़ा सा वर्कआउट कर लो, फिर चल रहे हैं, दो फिर डाली दो, जीत रहा मेरा बच्चा। तो अभी थोड़ा वर्कआउट कर लो, फिर चलते हैं जल्दी से। दोस्तों कंप्लीट हो गया वर्कआउट, अब अपना पीते हैं प्रोटीन और चलते हैं। कहाँ हम जा रहे हैं? अपनी कॉफ़ी पी के चलते हैं फिर। टेस्टिंग माइक, टेस्टिंग। दोस्तों हमारा ना माइक ख़राब हो गया, मतलब इतना महंगा माइक भी ख़राब हो जाता है, समझ रहे हो, तो हमारी एक फाइल पूरी ख़राब हो गई, मुझे पूरे दिन की मेहनत, पूरा ब्लॉग ही ख़राब हो गया, पूरा ब्लॉग ही ख़राब हो गया। तो कोई बात नहीं, अभी आवाज़ चेक कर रहे हैं एक बार, कैसे करें ये बताना, वॉइस ठीक आ रही नहीं आ रही, क्योंकि मैंने नया माइक लगाया सोनी का, ये देख रहे हो तुम, रोड प्लस प्रो, मतलब 40-40 हज़ार के माइक हैं, लेकिन के कोई अभी मैं 2 महीने हुए होंगे, डेढ़ महीने हुए, सिर्फ नाम है इन कंपनियों के। क्या हूँ भाई? एक थार की चाबी, एक एक्सयूवी की, बताओ कौन सी है, इधर आओ, इसमें थार की चाबी बताओ, एक्सयूवी की चाबी बताओ, 700 की, कौन सी है बताओ, ये वाली या ये वाली, लो आप बताओ। ओ, है। देखेंगे और अंदर, अंदर देख लो, जय श्री राम, वो तो दिख गए, जय श्री राम। तो कैसे हो गई? अच्छा
ऐसे क्या बात है, पूरा स्टाइल। तो मैंने आज पहली बार ना महिंद्रा की XUV 700 चलाई है, तो बहुत ज़्यादा स्मूथ है इंजन, और जो हैंडल है ना, क्योंकि मेरे पास सफारी भी है टाटा वाली, जो इसका हैंडल है मतलब मक्खन, ऐसा लग रहा है मक्खन चला रहा हूँ मैं, ठीक है। पावर में मेरे को सफारी थोड़ी ज़्यादा लगी इससे, लेकिन जो स्मूथनेस है और जो हैंडलिंग है, लाजवाब इस गाड़ी की, लाजवाब, ठीक है। अब ब्रेक तो दोनों की अच्छी हैं, ब्रेक में के मामले में, लेकिन कितने, क्या प्राइस है इसका सैम? इसको ऑन रोड अभी है 22 लाख रुपये, 22 से 25, स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। अच्छा, वो RTO चार्जेस कहीं पे 12% है, कहीं पे 8%, वो वैरी करता है, ठीक है। मतलब अपने को 22 लाख की पड़ी है। हाँ हाँ, 22 की पड़ी। तो भाई 22 लाख में बहुत अच्छी गाड़ी है, ये मैनुअल है जो मैं चला रहा हूँ, ठीक है। अब सफारी मेरे को पता नहीं कितने की है, जो मेरे पास है ऑटोमेटिक वो मेरे को पड़ी थी 28 लाख की, डीजल मैनुअल। हाँ डीजल, ये क्या पेट्रोल है? नहीं, ये डीजल मैनुअल, डीजल मैनुअल है वो मेरे पास है, डीजल ऑटोमेटिक सफारी। तो कुल मिला के मेरे को अच्छी लगी गाड़ी 700 700। और मैं आगे जाके सैम को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को आदत है थार की। और ये देखो, जय श्री राम। तो कमेंट में आना चाहिए जय श्री राम। कहाँ रह गया शोरूम? बस पहुँचने वाले, किधर रह गया सैम? बस 1.5 किलोमीटर और है यहाँ से, 5 मिनट का रास्ता, बस 5 मिनट और। मेरे को पूरी गाड़ी में बता क्या अच्छा क्या। जय श्री, मुझे भी जय श्री राम। तो कमेंट कम से कम 1000 कमेंट होने चाहिए इस वीडियो पे, कम से कम। और गिव अवे की तो बात अलग है, वो तो चलो है ही, लेकिन इस पे कम से कम 1000 कमेंट होने चाहिए। जय श्री राम, 1000 कमेंट से ज्यादा होने चाहिए। पास से दिखा बल्ली एक बार, कितना अच्छा लग रहा है ना। 1000 कमेंट चाहिए, पूरे 1000। स्टोरी मत लगाओ, एक गाड़ी लेने 6 जने आए, वो भी वो। अरे मैंने ये स्टोरी लगाने के लिए मना नहीं किया, मेरे को बदनाम करी जा रहे हो। मैंने बोला है स्टोरी लगाओ, रच के लगाओ, जितना मर्जी उतना लगाओ, बट मेरे ब्लॉग में चक चक मत करो, ठीक है। अच्छा मेरे, अच्छा आज मेरा ये वाली, मतलब बैकग्राउंड में वो बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चाहिए, बोलो जितना मर्जी बोलना है, बट जब मैं बोल रही हूँ तब नहीं बोलना है। लड़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छी गाड़ी मुझे पसंद आई एक्चुअली। कौन सी गाड़ी प्लान कर रहे सर आप? भाई दो गाड़ी दिखा दो, दोनों टॉप मॉडल, या तो फॉर्च्यूनर और हिलेक्स, दोनों दिखा दो, दोनों के प्राइस, दोनों के टॉप मॉडल दिखाना, ठीक है। तो पहले आपको फॉर्च्यूनर दिखा दो, दोनों ब्लैक कलर में, ब्लैक चलेगी ना? फॉर्च्यूनर तो ये भी ठीक है, वाइट और ब्लैक, और हिलेक्स ब्लैक, लेजेंडर आएगी है। कलर जैसे आपकी गाड़ी का कलर है, हिलेक्स में कलर कितने आते हैं? 4 कलर आते हैं हाइलेक्स में। ब्रोशर होगा जी मेरे पास, एक आता है जी रेड, सिल्वर, वाइट और ग्रे। जो बाहर खड़ा हुआ अच्छा, मैंने बाहर देखा भी एक खड़ा, रेड नहीं उसने ले रखा, UK 07 ने, बहुत गंदी लगती है। नहीं पड़ेगी ऑन रोड इसमें आपको, ये क्या कहते हैं, 5365 में से ना RTO माइनस हो जाएगा। डॉक्टर साहब देखो भाई, ये लेजेंडर, लेजेंडर इसमें आपको इलेक्ट्रिक सीट आ जाती है, ठीक है, दोनों ड्राइवर और को ड्राइवर साइड, ठीक है। यहाँ पे सारे आपके आ जाएंगे, पावर विंडो के बटन आ जाएंगे। सर भी आप पीछे क्यों पहुँच गए? मैं पीछे देख रहा हूँ कैसा है इसका स्पेस, तो पीछे कितना कम्फर्टेबल। हाय क्या हाल है, कैसे हो? 4x4 में बस अपने आप को दिखाना है, गाड़ी को नहीं दिखाना। ये ले पकड़, तो पसंद नहीं थी डॉक्टर साहब को? क्या कह रहे हो भाई? गाड़ी तो पसंद थी डॉक्टर साहब को, तो मुझे तो जिद थी मैं फॉर्च्यूनर लेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं अंदर से गाड़ी अच्छी नहीं है। मैं चल देख लेते हैं एक बार, अब कह रही अच्छी है अंदर से। तो एक बार मैं पीछे बैठ के, लेकिन एक गाड़ी वैसी चाहिए जो कहीं जाए ना तो आराम से कंफर्टेबल होकर चले जाए जी। मैं भाई से कह रहा था, मैं गाड़ी तो है मेरे पास लेकिन अब कुछ डिफरेंट चाहिए ना। पहले जो आपको बोला था मेरा पर्सनल, जो मेरा इंटीरियर का दिक्कत थी, वो मैंने आपको बोला था, बट ठीक है ना। मैं कह रहा भाई एलेक्स कितनी है भाई? 43। मैं 20 लाख ऊपर लगा लें, क्योंकि बिना पैसे लगाए तो दिखेगी नहीं। फिर हमें चाहिए भी गाड़ी ऐसी कि 100 आदमी देख के कहें भाई गाड़ी ले रहा है। दोस्तों कमेंट में बताना, ठीक है, इस बार मैं झटका कर दूं, बोरे में भर के नोट लाऊंगा जितने की है, 55-60 लाख इनके काउंटर पर रख दूंगा, ठीक है। मैं भाई अपने गिल्लो और मेरे वापस कर दो जो बच जाए, कर दूँ क्या? कमेंट में बताना कैसे ला के काउंटर पे। मैं भाई ये लो, अरे सोचना वहाँ फार्म में कैसी लगेगी खड़ी खेतों के बीचों में, जब अच्छी है ना, डन अरे बिना बात के अंदर से आए हो, ठंडा है, खोलो दरवाजा।
भैया इसमें है बॉस मोड, इसमें है क्या बॉस फीचर है इसमें? बंटी ये क्या क्या जी क्या करते हैं आप? कंफर्टेबल कर लो अपने हिसाब से, आगे पीछे जाए भाई। ये आपकी उनकी मैनुअल होगी आपकी नहीं इसमें। अच्छा नहीं है नहीं खाली वो इसमें साइड में इसको आपको मैनुअल ये रहेगा। अच्छी बन गई। और सब कैसी लग रही है भाई? इसको जो पिछला सीट है ना इसको कंफर्टेबल उतना बढ़िया, पहले बता दिया भाई ने पीछे कंफर्टेबल नहीं हुई। ऑफ रोड है ना, ऑफ रोडर गाड़ी है ना सर ये? ये दो कंफर्टेबल है इसलिए होती है कि ताकि नी को प्रॉब्लम ना हो। कोई क्या हम वो लगवाएंगे जो क्या बेड लगवाएंगे? हां आराम से लग जाता है उसमें। एक सेकंड होता आराम, जाके चेक कर ले। क्या चेक कर रहे हो? ये खोल के हम चेक कर रहे हैं कि जो ये है ना इसमें लगेज कितना आ जाएगा, क्योंकि कपड़े भी चाहिए होंगे, क्योंकि अगर इंडिया टूर करना है तो इंडिया टूर ऐसे ही नहीं होगा। तो ये ठीक है आई गेस, तो ठीक रहेगी। इंजन एवरेज एवरेज तो सेम ही होगा दोनों का। कैसी लगी भाई फिर आपको ये? भाई मेरे को तो अच्छी, ये तो गाड़ी यार पा रहे, लेकिन इसमें ना बिना पैसे लगाए लगती नहीं। इसमें पैसा लगेगा उसके बाद गाड़ी चलती फिरती दिखेगी। हाँ भाई कोई चीज़ ले रहा है, बिल्कुल बिना उसके मज़ा नहीं आएगा। तो भाई तो आप पे छोड़ रही है, जो आप फाइनल कर दो। दोनों दिखा दिए, ये भी एक वो खड़ी एक बार टेस्ट राइड करके और नहीं हाइड्रोलिक है ये, नहीं जैसे महिंद्रा महिंद्रा का थप हाइड्रोलिक है। हाँ आराम से जाएगा भाई, टोयोटा है, जुगाड़ करती नहीं टोयोटा। आज तक चार पांच गाड़ियां ली होंगी, एक दिन भी गाड़ी चला के देखी, फोन पे बात की मैनेजर से, बोला भाई गाड़ी ले जाओ, शाम को गए गाड़ी लिया है। सबसे बड़ी गलती है, अगर आप घड़ा खरीदो ना घड़ा तो भी बचा के चेक करो उसे, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन इतना है और पैसे हैं थोड़े, तो जब तक पैसे हैं उनको पूरा मार्केट को सर्वे करके खर्चो पैसे, ठीक है? क्योंकि जो मेरी गलती है ना वो और भाई ना करे, और गलती करनी भी नहीं चाहिए ऐसी। पहले चीज़ों को ठोक बजा के देखो फिर खरीदो। ये लोग बैठे हैं आगे, चला के देखो गाड़ी को, चला के देखेंगे, चला के उड़ा के देखेंगे, चला के देखेंगे। उड़ाना नहीं चलाना है, चंडीगढ़ में हो जी सर, जी सर, जी सर, आगे बैठो। मतलब फॉर्चूनर तो चला रहा हूँ मैं लेजेंडर, लेकिन हेलेक्स है नहीं, ये तो मैंने कई बार चला भी रखी है पहले। बलिया सुन, ये तो फिर दो लेनी पड़ेंगी यार, एक भी नहीं। क्यों? एक उस्ताद जी को गिफ्ट करनी पड़ेगी, एक डॉक्टर साहब को। आपका नाम ले दिया वीडियो में, फिर दो करनी पड़ेंगी तो हैं? अरे मेरा दिल बहुत बड़ा है हबीबी, आई एम रिच यू नो। ये दोनों में से अच्छा चेंज है। अब भाई मेरे को एक वो स्लिप बना के दो इसकी। क्या हुआ? कलर फाइनल कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ये जो मुझे पसंद आ रहा है ये, ठीक है, जिसमें वो जो बार खड़ी थी। डॉक्टर साहब एक ये और एक ये देख लो डॉक्टर साहब, और आप देख लो। नहीं आता जो ब्लैक लेते हैं, बिल्कुल ब्लैक, वो किसमें है? सिंपल। अच्छा उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है दिखाना? फॉर्चूनर की देखी थी आपने वो लेजेंडर? ठीक है नहीं चलूँगा, ये देख लिया। हाँ। तो दोस्तों अभी हेलेक्स है नहीं, कल हम आ नहीं सकते, परसों हम आएंगे हेलेक्स चला के फाइनल कर देंगे। फॉर्च्यूनर वो लेजेंडर, सॉरी लेजेंडर या हेलेक्स, दोनों में से फाइनल करना है, कर देंगे। और बहुत अच्छा लगा भाई से मिल के, थैंक यू सर। देखो और बहुत अच्छा समझाया भाई ने, जो भी कुछ पूछा ना बहुत अच्छा, मतलब टोयोटा का जो शोरूम है ना भाई को 10 में से 10 नंबर है। थैंक यू सर, 10 में से 10। थैंक यू। बैठेगा यहाँ से? कैसे बैठेगा? मैं इधर से घुसता हूँ पहले। आधा आधा तो ऐसा होता है जब समझदार लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं ना, देखो तो यहाँ से जाना पड़ता है ड्राइवर को। देखो ये समझदार लोग है, देखो आओ ये चाचा है, ये मतलब ये वही वाले चाचा है, मतलब बैठे कैसे? ये चाचा है वो वाले मिर्जापुर वाले। चलो आओ। तो दोस्तों बढ़िया गाड़ी देख ली दोनों, और हेलेक्स की मैंने टेस्ट ड्राइव नहीं करी है, वो मैं करूँगा परसों, क्योंकि अभी थी नहीं उनके पास।
अब हम चलते हैं घर, कुछ खाते हैं और शाम को आप वर्कआउट दिखाता हूँ शाम को क्या करता हूँ वर्कआउट में। फ्री वेट ट्रेनिंग करता हूँ जो कोई भी कर सकता है, आप ऑफिस से आने के बाद, अपनी शॉप से आने के बाद, कोई ज़रूरत नहीं आपको जिम की इक्विपमेंट की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने जूते पहन लेना, अपनी टी शर्ट पहन लेना, अपना निक्कर पहन लेना और उसके बाद जो करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा कमेंट्स आपको जिताएंगे गिव अवे। चलिए तो दोस्तों आ गए जिम, नहीं मेरा जिम याद रहता है, तो पार्क में करता हूँ वर्कआउट। 75 डे हार्ड से चैलेंज चल रहा है, जो जो फिट होना चाहता है वो कर सकता है। जैसे आप ऑफिस जाते हो, शॉप पे बैठते हो, पूरे दिन मैं भी थक गया, मैं भी बहुत काम, लेकिन अब टाइम में घड़ी नहीं पहन के, वैसे 9 बज रहे रात के, तो मैं इस टाइम वर्कआउट करता हूँ। उससे पहले, वर्कआउट से पहले अपना आयल कारंटाइन पीता हूँ ब्लैक कॉफ़ी में इतने से पानी डाल के, उसके बाद अपना वर्कआउट क्या करता हूँ। कोई इक्विपमेंट्स, कोई जिम की ज़रूरत नहीं है, जो मैं वर्कआउट करता हूँ आप भी कर सकते हो। सबसे पहले अपना वार्म अप सिंपल जंपिंग पीटी, उसके बाद पुशअप्स करता हूँ, फ्री स्क्वाट्स करता हूँ, सपाटे करता हूँ जो स्लाइडिंग पुशअप्स होती है, और एप्स का वर्कआउट करता हूँ। चार चार सेट करता हूँ, ज़्यादा नहीं, 20-20 रेपिटेशन करता हूँ। इसको आप फॉलो कर लेना, फिट हो जाओगे। थोड़े से थोड़ा टाइम निकालना है, क्योंकि लाइफ आपकी है, फिट रहोगे ना तभी फ़ायदा है। आप कितने पैसे कमा लो ज़िंदगी में, कितनी महान गाड़ी, कितने जहाज़ों में घूम लो, लेकिन आप फिट नहीं हो ना तो उस पैसे का कोई यूज़ नहीं है, उस पैसे को कोई और यूज़ करेगा। अगर पैसे का यूज़ करना ज़िंदगी में मज़े लेने, तो फिटनेस पहले नंबर पर, दूसरे पर गाड़ी घोड़े टांगे, ठीक है? तो पहले और क्लीन डाइट, और क्लीन डाइट, क्योंकि मुंह पे एक भी पिंपल हो जाता है ना तो टेंशन हो जाती है। कहने की बात है कि मैटर नहीं करता, बट होती है। नहीं, कभी कभी तो जो मर्जी खा सकते हो, मैं तो खाता हूँ। चीट डे एक रखो ना, एवरी डे थोड़ा ना चीट डे होना चाहिए। हाँ, ये बात भी ठीक है, ये बात तो सही है, इस बात पे कमेंट चाहिए अब, ठीक है ना? तो चलो कमेंट में लिख दो जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम लिख दो। आप करते हैं अपनी पुशअप्स। सपाटे की टर्न है तो वो एक तो सांस बहुत चढ़ती है, क्योंकि अभी फीवर हुआ था दो दिन पहले। सपाटे पूरी बॉडी पे फर्क आते हैं। देखो, ये पैरों की पोजीशन ये रहेगी, ठीक है? अब जैसे प्लेन नहीं उतरता, जहाज उतरता है। ये वन वापस भी आ सकते हो। अगर आपसे वापस नहीं आ जाता तो खाली, सॉरी मेरी परछाई दिख रही है, उसको आप वो कर देना। अगर वापस नहीं आता तो खाली फ्रंट कर लिया करो। ये वाले ये सिंपल होते हैं, ठीक है? और जो असली होते हैं वो ये होते हैं। वापस वन, तो ये तो 50 भी हार्डली कर पाएगा कोई नॉर्मल इंसान। ये 20-20 के चार सेट ना हिला देंगे, 20-20 के चार सेट करने पूरा पता लगेगा, ठीक है ना? बोलने में और करने में दिन रात का फर्क होता है। तो कंप्लीट हो गए, अब करेंगे अपना एप्स का वर्कआउट। एप्स का वर्कआउट में पहले करता हूँ सिटअप्स चार सेट, लेग रेजेस, लेग किक और अपना ट्विस्टर, रशियन ट्विस्ट जी बोलते हैं जिसे। अब दिखा देता हूँ कैसे, चार सेट करता हूँ, 20-20 रेपिटेशन आप भी कर सकते हो। मैं नीचे इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ना ग्रास थोड़ी थोड़ी गीली है, ये चिपक जाती है, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले, तो मैं इस पर कर रहा हूँ। आपके पास घर में मैट हो या कुछ भी हो जो एकदम फ्लैट हो, तो इस पे लेट के ये 1-2 चार सेट मारूँ अपने सिंपल क्रंचेज के, ठीक है? 20-20 रेपिटेशन ये 1-2 ये। इसके बाद करूँगा अपने लेग रेजेस, कोई भी कर सकता है, ठीक है? हाथ अपने ग्लूट्स के पास, ये 1-2-3-4 और ये आवाज़ आई, कहीं सोचो मैंने पादा नहीं, मैंने जब करते हो तो नीचे से ऐसी आवाज़ आती है क्योंकि आग बन जाता है बैक का, ठीक है? चार सेट करूँगा अपने लेग रेजेस के, चार सेट करूँगा अपने सिटअप्स के, ओ सॉरी लेग किक के, ये 1-2-3-4-5 चार सेट ये 20 रेपिटेशन। इसके बाद करूँगा अपना मजे, आप फ्लोर पे हो गए तो लेग्स 20 डिग्री, कोई भी चीज़ ऐसे ट्विस्ट 1-2-3-4-5-6-7 ऐसे, जो साइड में ये लव हैंडल्स है ना, साइड फैट जिसको बेलन बोलते हैं, मोटापा पता नहीं क्या क्या बोलते हैं हमारे यहाँ, साइड में गुच्छे बोलते हैं, उसके लिए सबसे अच्छा वर्कआउट है। तो ये फॉलो करना आपको, आप डेली वर्कआउट कर लोगे ना आधा घंटा भी, तो आप मस्त हो जाओगे। मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा काम करता हूँ, मैं दुनिया की सबसे ज़्यादा काम करने वाली लेडी हूँ, सब बहाने।
आधा घंटा तो वैसे भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो पोटी में निकल जाता है सुबह शाम मिला के। जब पोटी में आप आधा घंटा लगा सकते हो अपने शरीर में लगा सकते, तो मैं थोड़ा सा कड़वा बोलता हूँ, लोगों को बुरा लगता है ठीक है ना, लेकिन मैं क्या करूँ, जो सच है वो ना कड़वा ही होता है, तो इसलिए मैं कईयों को बुरा लगता हूँ। कोई बात नहीं, जो सच है वो सच रहेगा ठीक है। अब मैं मीठी मीठी बातें करूँ जो आपको अच्छी लगे, वो मेरे को आती नहीं ना, वो मैं करना चाहता। सब्सक्राइबर कम होंगे ज़्यादा होंगे वो तो आप सब प्यार करते हो, आपकी बदौलत होंगे, यहाँ तक भी आपकी बदौलत, तुम आगे भी आप लोगों की बदौलत जाऊँगा। जैसा तक कमेंट्स करने हैं, वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को पूरी देखा करो क्योंकि गिव अवे आएंगे धमाकेदार, बहुत जमा मज़ा आने वाला है। तो बहुत प्यार मिल रहा है आप सबका, ऐसे ही प्यार करते रहो। मैं अभी थोड़ी सी रनिंग करूँगा क्योंकि ना रनिंग से अच्छा कोई वर्कआउट नहीं लगता मेरे को, थोड़ा सी वॉकिंग रनिंग जरूरी है लाइफ में फिट रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। जय हिंद जय भारत दोस्तों।